just do not do anything. Alright, we start with ethanol. Today the first important carbon compound, which is ethanol. Ethanol को हम लोग commonly ethyl alcohol कहते हैं. Ethyl alcohol. अब इससे जब मैंने नाम लिखा तो इससे एक चीज आपको समझ आई होगी, क्योंकि इसमें suffix OL है, that means इसके पास alcohol group attached होगा, और F है, इसका मतलब इसके पास कितने carbon atoms होंगे? 2 carbon atoms. ठीक है, और AN है मतलब दोनों कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड से अटैच है. तो इसका मतलब अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये ऐसे दो कार्बन एटम्स हैं और उस पे क्या है, एक अल्कोहल ग्रुप अटैच है. ठीक है, अब एक वैलेंसी तो OH से सेटिस्फाइड है, बाकी तीन किससे होंगी? एक वैलेंसी कार्बन से, एक हाइड्रोजन, एक और हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन. सो अगर मैं इसका कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखूं तो इट विल बी CH3CH2OH. सही है कि नहीं है? ये इसका कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया. कई बार इसमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछा जाता है इसका, तो वो आप दिखा सकते हैं. स्ट्रक्चरल फॉर्मूला से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन जाएगा. ओ और एच के बीच में देयर विल बी वन शेड पेयर, राइट? तो आप इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं. ये कार्बन इन दोनों के बीच में एक शेयर हो रहा है, फिर इसमें और ऑक्सीजन में एक शेयर हो रहा है, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में एक शेयर हो रहा है. ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर्स हैं, हाइड्रोजन अपने साथ एक शेयर कर रहा है यहाँ पे. सिमिलरली कार्बन यहाँ पे तीन हाइड्रोजन के साथ शेयर कर रहा है. तो और यहाँ पे अगेन कार्बन इज शेयरिंग टू इलेक्ट्रॉन्स विथ हाइड्रोजन, तो यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा. ठीक है, अब बस आपको सबके ऑक्सेट कंप्लीट करने हैं. तो ऑक्सेट कंप्लीशन, इस वाले कार्बन का ऑक्सेट कंप्लीट करें तो ये इसका ऑक्सेट कंप्लीट हो गया. इस वाले कार्बन का करोगे तो ये वाला इसका ऑक्सेट कंप्लीट हो गया है. ऑक्सीजन का कंप्लीट करें तो ये ऑक्सीजन का ऑक्सेट कंप्लीट हो गया. फिर हाइड्रोजन के डुप्लेट कंप्लीट कर लीजिए आप, एंड यू विल गेट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथाइल अल्कोहल. ये आपको याद रखना है. आई विल ऑलवेज प्रेफर कि ये जो आप ऑक्टेट कंप्लीशन बता रहे हैं ये आप पेंसिल से बताएं, मतलब पेन से ये बना दीजिए इलेक्ट्रॉन्स और डॉट्स, ठीक है, और फिर पेंसिल से बनाओ, तो इससे क्या गॉच वॉच नहीं दिखता ज्यादा, और थोड़ा क्लैरिटी, थोड़ा क्लियर विजन आता है, राइट? तो ये इथाइल अल्कोहल है और इथेनॉल है. हम इसको क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड कमर्शियली. कमर्शियल इंपॉर्टेंस की अगर हम इसकी बात करें तो कमर्शियली इट इज यूटिलाइज इन ऑल द एल्कोहलिक बेवरेजेस. जितने भी एल्कोहलिक बेवरेजेस हैं, जितनों के भी आप नाम लो, चाहे वाइन, बियर, विस्की, रम, जो भी एल्कोहलिक बेवरेजेस के नाम आप लेंगे, सब में इट इज द मेन कंस्टिट्यूएंट. सो इथेनॉल इट इज द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑल एल्कोहलिक बेवरेजेस. ठीक है, साथ ही साथ ये है ना, बहुत सारे कफ सिरप्स का भी मेन कंस्टिट्यूएंट होता है. सो मेनी कफ सिरप्स ऑल्सो कंटेन इथेनॉल एज इट्स कंस्टिट्यूएंट. ठीक है, इथेनॉल को हम और भी जगह यूटिलाइज करते हैं. आप लोग सुनेंगे तो स्टरलाइजेशन, आप लोग कभी इंजेक्शन लगवाने जाते हो तो आपने देखा है कॉटन से पहले क्लीन करता है आपका स्किन. तो वो क्लीन करने का लॉजिक क्या होता है? वो क्लीन करता है किस स्पिरिट, नाम सुन रखा है? स्पिरिट नाम की चीज होती है, स्पिरिट नाम की चीज होती है, इसको हम रेक्टिफाइड स्पिरिट बोलते हैं. जनरली वो भी अल्कोहल का वाटर के साथ सोल्यूशन होता है. तो वो क्या करता है, जब आपने देखा होगा वो कॉटन में वो स्पिरिट लगा हुआ होता है ऑलरेडी, वो आपकी स्किन को स्टरलाइज करता है, राइट? वो स्पिरिट से क्या करता है, स्किन की क्लीनिंग, सो दैट वहां पे कोई हार्मफुल जर्म्स या बैक्टीरिया हो तो वो हट जाए. नहीं तो क्या होगा, जब आप सिरिंज इंसर्ट करोगे बॉडी में तो क्या होगा, मान लो आपकी स्किन पे बैक्टीरिया था तो वो स्पिरिट उस सिरिंज के चिपक गया. अब सिरिंज क्या नीडल के साथ अंदर गई, अब नीडल पे बैक्टीरिया है तो सीधे बैक्टीरिया आपके ब्लड में ट्रांसफर हो सकता है. इसीलिए इट इज ऑलवेज एडवाइस कि आप कभी भी सिरिंज पुट करने से पहले उसको स्टरलाइज कर दो, वो वाला स्किन एरिया को आप स्टरलाइज कर दो. सो इट इज यूज एज एन रेक्टिफाइड स्पिरिट ऑल्सो, कफ सिरप में काम में आता है, एल्कोहलिक बेवरेजेस में काम में आता है, राइट? और बहुत सारी इंडस्ट्रीज में एज अ सॉल्वेंट भी काम में आता है. सो लिकर्स, पेंट्स, वार्निशेस, पेंट वार्निश, पता है ना आपको वार्निश होती है, कई बार आपको एक अजीब सी स्मेल भी आती है पेंट से, वार्निश से, शाइनिंग के लिए होती है वार्निश जनरली, ठीक है? तो उन सब में अल्कोहल इज यूज्ड एज अ कंस्टिट्यूएंट. सो दैट इज व्हाई वी स्टडी अल्कोहल और इथेनॉल की ओर.
वेरी इंपॉर्टेंट. इन डीप पढ़ते हैं हम लोग इथेनॉल को. यहाँ से एक चीज समझ आ गई, इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, OL. तो इसकी सारी प्रॉपर्टीज कैसी होंगी, अल्कोहल की वजह से, मतलब कार्बन से कोई मतलब नहीं है इसको. इसकी सारी प्रॉपर्टीज कौन डिटरमाइन करेगा, ये OH ग्रुप, अल्कोहल ग्रुप, राइट. चले आगे ना, इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है दैट इज लोअर देन वाटर, ठीक है. इट बॉइल्स अराउंड समथिंग अराउंड 351 डिग्री सेल्सियस, 351 केल्विन, ठीक है. सो इसका बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन वाटर. दूसरा, इट कैन इजिली मिक्स विथ वाटर, वाटर के साथ आसानी से मिक्स हो जाता है, ठीक है. इसकी कैरेक्टरिस्टिक पंजेंट स्मेल होती है जिसको हम बोलते हैं अल्कोहल स्मेल, ठीक है. अजीब सी स्मेल होती है इसकी, यू कैन इजिली आइडेंटिफाई फ्रॉम द स्मेल इटसेल्फ. नेक्स्ट, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आएगा. क्यों? क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ठीक है. और नेक्स्ट हम बोलते हैं क्या ये एसिडिक है या बेसिक है, नहीं, इट इज नीदर एसिडिक नॉर बेसिक, इट इज न्यूट्रल टूवर्ड pH paper. सो लिटमस में इट इज न्यूट्रल, दैट मीन्स इट डज नॉट हैव एसिडिक बिहेवियर, इट डज नॉट हैव बेसिक बिहेवियर ऑल्सो. आई बात समझ में सबको, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? अब हम बात करें, क्योंकि ये इंडस्ट्रियली इतना इंपॉर्टेंट है तो हम इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं, मतलब इसकी प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं हम. तो इसमें है ना, हम लोग ऑल्दो के एनसीईआरटी में प्रिपरेशन नहीं गिवन है, बट स्टिल दे आर आस्क्ड इन इनडायरेक्ट क्वेश्चंस इन सीबीएसई. तो प्रिपरेशन आपको याद रखनी है. अब प्रिपरेशन है ना, यहाँ पे दो तरीके की है. एक होती है ट्रेडिशनल प्रिपरेशन, वेरी बेसिक और ट्रेडिशनल और स्लो प्रोसेस है, ठीक है, ट्रेडिशनली होता आ रहा है ये. और एक, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कमर्शियली यूजफुल है, इसीलिए ना लोग इतना इंतजार नहीं कर सकते कि कब वो बनकर आएगा, धीरे धीरे चलता रहेगा, तो लोग उसको इंतजार नहीं कर सकते. तो एक हो गई आजकल की इंडस्ट्रियल या कमर्शियल प्रिपरेशन. तो हम ट्रेडिशनल प्रिपरेशन की बात करें तो इट इज बाय द फर्मेंटेशन प्रोसेस. सो बाय फर्मेंटेशन, सो दिस फर्मेंटेशन प्रोसेस, अगर आपको ध्यान हो तो फर्मेंटेशन शब्द मैंने एनारोबिक रेस्पिरेशन में सामने लिया था. फर्मेंटेशन क्या होता है, जब आप ईस्ट को एनारोबिकली रेस्पायर करने के लिए अलाउ करते हो, देन वी कॉल दिस प्रोसेस एज फर्मेंटेशन प्रोसेस. तो हम क्या करते हैं, शुगर को, शुगर ध्यान है C12H22O11, इसको हम लोग ईस्ट की प्रेजेंस में रिड्यूस करने के लिए डाल देते हैं, ब्रेक डाउन के लिए, राइट. तो ईस्ट के अंदर दो प्रकार के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं. पहला एंजाइम होता है इन्वर्टेज, तो ये शुगर पे जाके, ये शुगर है, ठीक है, शुगर पे जाके इन्वर्टेज, इन्वर्टेज नाम का एंजाइम है. एंजाइम क्यों बोला गया है, कैटलिस्ट नहीं बोल रही हूँ, एंजाइम बोल रही हूँ. एंजाइम क्या होता है, बायो कैटलिस्ट. इसकी बायोलॉजिकल ओरिजिन है, ईस्ट के अंदर प्रेजेंट है, इसलिए क्या हो गया, बायो कैटलिस्ट. सो इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में इट ब्रेक्स डाउन शुगर इंटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, C6H12O6. देखो, एक है ग्लूकोज और दूसरा है फ्रक्टोज. अब इधर देखना आप लोग, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, फिर भी नाम क्यों अलग अलग बोल रहे हो आप मैम? स्ट्रक्चर अलग होगा. सो दीज आर नोन एज आइसोमर्स, वेरी गुड. सो दीज आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है. सो इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, कॉम्पोजिशन सेम है, बट देयर स्ट्रक्चर्स में वेरी. अब क्या होता है, दिस ग्लूकोज और फ्रक्टोज, दिस ग्लूकोज इज फर्दर, हम इस पे दूसरा एंजाइम रिएक्ट कराते हैं जिसे हम बोलते हैं जाइनेस. ये जाइनेस एंजाइम जो है वो आपके ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करता है टू इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. सो इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्म, इसको बैलेंस कर लो आप, 2-2 लगा दो, आपका बैलेंस हो जाएगा पूरा, ठीक है. सो इट फॉर्म इथेनॉल अलॉन्ग विथ कार्बन डाइऑक्साइड. आपको ध्यान होता है ये आपका एनारोबिक फर्मेंटेशन का वो भी है रिएक्शन, यानी C6H12O6 इन द प्रेजेंस ऑफ साइटोप्लाज्म इन ईच सेल्स फॉर्म्स इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड. भूल गए नहीं भूले? नहीं भूले ना. सो दिस इज इथेनॉल, दिस इज इथेनॉल एंड दिस इज योर कार्बन डाइऑक्साइड. सो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ही हो रहा है टू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, बट दिस इज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसीलिए हम इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्मेंटेशन प्रोसेस. तो आपने सुना होगा कई बार बहुत जगहों पर ग्रेप वाइन्स होती है ना, वैसे तो बनती है, ग्रेप को क्रश करके रख देते हैं और कुछ टाइम के लिए ढक के रख देते हैं, फिर इसीलिए बोलते हैं वाइन जितनी पुरानी होंगी उतनी अच्छी होंगी, है ना. ऐसे बोलते हैं ना, अल्कोहलिक बेवरेजेस जितनी पुरानी होती है अच्छी होती है. क्यों जितनी पुरानी होती है? क्योंकि जितने टाइम तक वो फर्मेंट होती रहेगी उतना अच्छा उसमें स्वाद आता रहेगा, राइट. उतनी ही मतलब उतनी शुगर को कन्वर्ट करती रहेगी इंटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड इथेनॉल.
तो जितना ज्यादा टाइम तक आप उसको फर्मेंटेशन अलाउ करोगे उसके अंदर उतना ही अल्कोहलिक कंटेंट इंक्रीज होता जाएगा, राइट। इसीलिए कहते हैं अल्कोहलिक बेवरेजेस जितनी पुरानी होती है उतनी अच्छी होती है। नाउ दिस प्रोसेस वॉज वेरी ट्रेडिशनल और बहुत टाइम कंज्यूमिंग, बहुत स्लो प्रोसेस है ना। ईस्ट अपने हिसाब से जैसे करेगा वैसे ही करेगा भाई, हम तो करवा नहीं सकते उसका रेस्पिरेशन जबरदस्ती, तो हम उसकी सांस की गति बढ़ा नहीं सकते, रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज नहीं कर सकते। तो ये एक लिमिटेड अमाउंट में देने लगे, मतलब कितना करोगे, कितने टाइम तक वेट करोगे। तो जो आजकल के इंडस्ट्रियलिस्ट है वो इतना वेट नहीं कर पाए, उन्होंने बोला यार ये बहुत ही ट्रेडिशनल मेथड है, अपन इससे तो नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने स्टार्ट कर दिया बाय द हाइड्रेशन ऑफ कीथिंग। ये एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस है जहां से इथेनॉल बनना स्टार्ट हो गया। तो नेक्स्ट प्रोसेस और द इंडस्ट्रियल प्रोसेस वॉज हाइड्रेशन ऑफ इथीन। ये इंडस्ट्रियल मेथड था। अब ये है ना काफी जल्दी होता था। इथीन का कॉमन नेम है इथाइनिन। अच्छा बताओ ये क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो तुम? इथीन का हो गया डबल बॉन्ड और कितने कार्बन एटम्स होंगे? टू कार्बन एटम्स, CH2 CH2 कह सकते हैं। ये है हाकी ना, राइट ना। और इसको हम बोलने के लिए ऐसे कर दें क्या, मैं इसको पूरा स्ट्रक्चर बना देती हूँ। एच एंड एच सही। अब हाइड्रेशन का मतलब पानी का एडिशन, राइट। ठंडा करना कैसे हो गया, वो तो कूलिंग होता है यार। डिहाइड्रेशन पानी की कमी, हाइड्रेशन मतलब पानी आपने उसमें डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, हम इसको वाटर से रिएक्ट कराते हैं, मतलब एडिशन ऑफ वाटर है बेसिकली। सो एडिशन ऑफ वाटर, और ये किसके प्रेजेंस में होता है, ये स्लाइटली एसिडिक मीडियम में होता है, स्लाइट एसिडिक मतलब आपको उसमें एक ड्रॉप H2SO4 या फॉस्फोरिक एसिड की डालनी होती है। सो डायल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में। इसका कुछ फिक्स टेम्परेचर भी होता है, ये 300 डिग्री सेल्सियस पे होता है, और इसका फिक्स प्रेशर भी होता है 60-70 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये कुछ रिएक्शन कंडीशंस है, ये फिक्स कंडीशंस पे ही होगा, ठीक है। क्या है 300 डिग्री सेल्सियस, इसमें आपको टेम्परेचर याद रखना है, ठीक है। डायल्यूट H2SO4 की जगह आप फॉस्फोरिक एसिड भी यूज कर सकते हो, इट इज अ वीक एसिड, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। आपको बिल्कुल स्लाइट एसिडिक मीडियम क्रिएट करना होता है सो दैट वाटर का एडिशन जल्दी जल्दी हो जाए। अब क्या होगा इसमें आप देखें, तो ये जो H2 है ना, ये H और OH में स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है। ये H और OH इस डबल बॉन्ड पे जाके छेड़खानी करने लगेंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड जो है वो एक पॉइंट ऑफ अटैक है, तो बाकी सब तो सैचुरेटेड है। तो डबल बॉन्ड ही ऐसी जगह है जहां पर थोड़ी कमी है हाइड्रोजन की, तो ये जाके डबल बॉन्ड पे अटैक करने लग गए, ठीक है। कुछ कुछ एडिशन रिएक्शन जैसा ही होगा, डबल बॉन्ड पे अटैक किया तो ये बॉन्ड टूट गए, इसकी भी एक बॉन्ड फ्री, इसकी भी एक बॉन्ड फ्री, सही है। जैसे बॉन्ड टूटी तो एक एक इलेक्ट्रॉन बैलेंस फ्री हो गया, तो वो बॉन्ड फ्री हो गई। अब क्या हुआ, एक H जाके अटैच हो गया और एक OH जाके अटैच हो गया। तो अल्टीमेटली आपको क्या स्ट्रक्चर मिला, देखो कुछ ऐसा मिला, इसकी ये बॉन्ड फ्री हुई थी, यहाँ OH लग गया और इधर H लग गया, क्या मिला आपको, इथेनॉल। आई बात समझ में? सो दिस इज द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। इंडस्ट्रियली कैसे प्रिपेयर होता है, बाय द हाइड्रेशन ऑफ इथीन। अच्छा ये सिर्फ सिंपल एडिशन ऑफ वाटर का रिएक्शन है, सो इट टेक्स एट अ वेरी फास्ट पेस, तो आपको बहुत जल्दी जल्दी बहुत सारा इथेनॉल अवेलेबल होने लग गया। अच्छा इथीन कहाँ से मिलता है, इथीन नेचुरली अकरिंग हाइड्रोकार्बन है, नेचर में कहीं पर भी मिल जाता है आपको इथीन, ठीक है। तो आप आसानी से इथीन का हाइड्रेशन करके इथेनॉल निकालने लग गए हम लोग, क्योंकि इंडस्ट्रियली इसी अब लेकर्स पेंट्स वार्निशेस एल्कोहलिक बेवरेजेस कफ सिरप इन सब में यूज करना है। तो भाई उसको क्वांटिटी भी आपको ज्यादा चाहिए होगी स्टरलाइजेशन ऑफ वूंड में, ठीक है। और बताओ कोल्ड कंट्रीज होती है ना, तो हमारी गाड़ी के रेडिएटर में क्या डालते हैं, हम पानी डाल के रखते हैं, उसको पता है ठंडा करने के लिए। रेडिएटर क्या होता है, एज अ कूलेंट डालते हैं वाटर को, भाई रेडिएटर बेसिकली वो गर्म पड़ जाता है इंजन, तो रेडिएटर उसको ठंडा करता है। जैसे अपने गाड़ी नहीं तो क्या होगा, एक टाइम का उसका टेम्परेचर बढ़ता गया तो इंजन बोल जाता है, बंद हो जाता है एक बार, गर्म हो गया हाईली, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा टीवी भी बहुत तेज गर्म हो जाता है, तो कार की भी है ना आगे रेडिएटर में पानी डाला जाता है एज अ कूलेंट। तो जितने भी ठंडे प्रदेश होते हैं, ठंडे प्रदेशों में क्या होता है, पानी जम जाएगा। जैसे पानी 0 डिग्री सेल्सियस नीचे गया पानी टेम्परेचर, तो पानी तो जमना स्टार्ट हो गया, क्योंकि पानी का तो वो फ्रीजिंग पॉइंट आ गया, पानी इट विल फ्रीज। तो क्या होगा, आप अब इंजन चलाओगे गाड़ी चलाओगे तो रेडिएटर का पानी तो फ्रीज हो गया, तो इट विल नॉट बी यूज्ड एज अ कूलेंट, राइट। तो हमको उसको लिक्विड स्टेट में रखना है। तो जब हम उसमें थोड़ा सा इथेनॉल मिक्स कर देते हैं तो वो एंटी फ्रीज का काम करता है, वो पानी को जमने ही नहीं देता है। तो
तो पानी में थोड़ा सा इथेनॉल मिक्स कर दिया जाता है इन कोल्ड कंट्रीज, सो दैट इट डज नॉट गेट फ्रीज वेरी इजिली. तो जनरली कैनेडा वेनेडा मतलब -20 -15 तो ऐसे नॉर्मल ही है ठंड में, तो वहां पे गाड़ियां तब भी चलती हैं. क्यों चलती है? बिकॉज ऑफ दिस एंटी फ्रीज. थोड़ा सा इथाइल अल्कोहल डाल दिया जाता है उनके रेडिएटर्स में पानी के साथ, तो इथाइल अल्कोहल नहीं, पानी और इथाइल अल्कोहल का मिक्सचर. तो वो क्या करता है, पानी का एंटी फ्रीज का काम कर देता है, पानी को फ्रीज नहीं होने देता कुछ टेम्परेचर तक. आई बात समझ में? सो इट इज यूटिलाइज एवरीवेयर. तो अब इतना सारा यूटिलाइजेशन है तो ऑब्वियसली इसको बहुत सारी तादाद में भी चाहिए आपको, तो बनाने के लिए इसीलिए हम ट्रेडिशनल मेथड पर डिपेंडेंट है. हम आजकल इसको कमर्शियली भी प्रिपेयर करते हैं. तो दो इसकी प्रिपरेशन मेथड है, एक ट्रेडिशनल एंड स्लो मेथड एंड दिस इज इंडस्ट्रियल एंड फास्ट मेथड. तो दोनों याद रखने आपको. पहला है फर्मेंटेशन प्रोसेस. शुगर इन द प्रेजेंस ऑफ इन्वर्टेज एंजाइम विल गिव यू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, एंड ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ जाइमेज एंजाइम विल गिव यू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड. कई जगह आपने देखा होगा इन्वर्टेज इन ईस्ट लिखा हुआ होता है ऐसे ब्रैकेट में ईस्ट. तो ये बेसिकली ये बता रहा है कि इन्वर्टेज कहाँ से आया, ईस्ट से आया. जैसे जाइमेज कहाँ से आया, ईस्ट से आया, नीचे लिखा हुआ होता है कई बार. ठीक है, देन दूसरा है इंडस्ट्रियल मेथड. इंडस्ट्रियल मेथड में क्या होता है आपका हाइड्रेशन ऑफ इथीन. तो इथीन को हम पानी के साथ रिएक्ट कराते हैं, उसमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं इन स्लाइटली एसिडिक मीडियम. डाइल्यूट H2SO4 की जगह आप फॉस्फोरिक एसिड भी यूज कर सकते हैं. अच्छा, ये बाय डिफॉल्ट वीक होता है तो उसमें डाइल्यूट वाइल्यूट लेने की जरूरत नहीं है. ठीक है, एंड इट हैपेंस एट अ फिक्स टेम्परेचर. 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए और 60-70 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए. एंड द एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस. डबल बॉन्ड जो है वो ब्रेक डाउन होती है और एक एक वैलेंसी फ्री होते ही एच और OH जाकर उससे अटैच हो जाता है. आई बात समझ में सबको? यहाँ तक कोई दिक्कत है? हाँ, नहीं नहीं, इथेनॉल वही मैंने बताया ना, इसमें जितने टाइम तक आप फर्मेंटेशन कराओगे ये तो प्योर इथेनॉल मिल रहा है. यहाँ पे ये है कि मतलब आप जब शुगर डाल दिए थे, आपने ग्लूकोज सोल्यूशन या शुगर डाला होगा, तो अल्टीमेट फर्मेंटेशन प्रोसेस तो कोई एंड नहीं होता है इसमें. तो वही चीज मैंने बोले ना, जितने टाइम तक उसको पड़े रहने को उसका फर्मेंट होता रहेगा, वो होता रहेगा वो. तो देर इज नो एंड टू दिस प्रोसेस. बस ये प्रोसेस एक बार में एंड हो जाती है. एक बार में पानी सारा ऐड हो गया, इथीन सब खत्म हो गया, तो आपको अल्टीमेटली क्या मिल रहा है, इथेनॉल. कुछ भी एक्स्ट्रा बन नहीं रहा है. तो यू गेट ऑब्वियसली ये ज्यादा बेटर मेथड है, बट ये बायोलॉजिकली मिल रहा है. इसका ऑर्गेनिक मतलब इसकी दूसरी इंपॉर्टेंस होंगी, महंगा बिकता हुआ नेचुरली बन रहा है. वही आजकल चले ना ऑर्गेनिक फार्मिंग बिना केमिकल्स की, तो ये बिना केमिकल्स वाली चीज है, केमिकल्स से बनी हुई चीज है. आई बात समझ में सबको? यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? OH बॉन्ड अल्कोहल ग्रुप का बॉन्ड है, वो है. हाँ तो OH ऐसे तो ये भी ऐसे ही बना है, इन दोनों के बीच में भी बॉन्ड है. देर इज अ बॉन्ड इन बिटवीन. ऐसे तो नहीं ना वो ऐसे अटैच हो गया, ऑक्सीजन उसके साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है और एक इलेक्ट्रॉन सब फ्री है. देखो ऐसा है, ऑक्सीजन का 7 एटम्स फ्री है, 7 इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं जैसे ये. ठीक है, एक इसने हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिया तो हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया. तो हाइड्रोजन इज बाउंड टू बी विथ इट. ठीक है, पर ऑक्सीजन का क्या है, अभी एक इलेक्ट्रॉन फ्री बैठा है और ये बाजू वाला कोई ढूंढ रहा है साथी, क्योंकि मेरे को कोई मिल जाए, कोई मेरा बकरा मिल जाए तो मेरे को एक इलेक्ट्रॉन दे दे, तो मैं फिर शेयर करूंगा, मैं भी ऑक्सीजन कंप्लीट करूंगा. तो यहाँ पे भी बॉन्डिंग है, हर जगह बॉन्डिंग है. वो तो लिखते हैं OH ग्रुप साथ में क्योंकि अल्कोहल का वो होता है. ठीक है, चले आगे. नाउ मूविंग अहेड, विल बी हैविंग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल. तो केमिकल प्रॉपर्टी में मैंने सबसे पहले आपको बताया, इट इज न्यूट्रल टुवर्ड्स लिटमस पेपर. तो इसका मतलब इसकी pH अराउंड 7 ही रहेगी. ठीक है, अब नेक्स्ट कंबस्टन की बात करते हैं. तो कल ही पढ़ा हमने लोगों ने कंबस्टन ऑफ ऑल कार्बन कंपाउंड. जितने भी कार्बन कंपाउंड होते हैं दे बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विद एनर्जी. तो वैसे ही इथेनॉल भी कंबस्टन प्रोसेस करता है. सो आई टोल्ड यू दीज आर गुड फ्यूल्स. क्यों? बिकॉज दे इजिली बर्न इन ऑक्सीजन. तो देखिए C2H5OH प्लस ऑक्सीजन गिव यू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी. बैलेंस एट आपको आसानी से आपकी इक्वेशन मिल जाएगी. ठीक है, आपको रिएक्टेंट प्रोडक्ट याद करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा बस बैलेंस कर लो. बैलेंस करोगे आपकी इक्वेशन सेट हो जाएगी. आई बात समझ में? नेक्स्ट इज रिएक्शन विद सोडियम.
विद सोडियम मेटल. तो सोडियम मेटल की जब हम बात कर रहे हैं रिएक्शन विद सोडियम मेटल, इस केस में क्या होगा, सोडियम बीइंग हाईली रिएक्टिव विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन. ये थोड़ा थोड़ा एसिड के जैसा रिएक्शन है. आपने पढ़ा था ना एसिड जब सोडियम मेटल के साथ, जैसे HCl है, HCl व्हेन रिएक्ट विद सोडियम तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है ना. Na being more stronger replaces H. ठीक है, तो इधर क्या रहता है NaCl plus H2 हाइड्रोजन गैस इवॉल्व. सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसा ही रिएक्शन होता है. देखिए कुछ कुछ ऐसा ही, ये इथेनॉल के H को रिमूव कर देता है. C2H5OH plus सोडियम मेटल विल गिव यू, देखो ये Na जाके हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है और खुद यहाँ जाके बैठ जाता है. C2H5ONa plus H2 गैसेस इवॉल्व. दिस कम्स आउट विथ ब्रिस्क एफर्वेसेंस. ठीक है, और आप इसको टेस्ट भी कर सकते हो कि हाइड्रोजन गैस निकली है, तो आप इजिली टेस्ट भी कर सकते हो कि गिवन चीज आपको इथेनॉल दी है या नहीं. इथेनॉल दी है तो क्या होगा, सोडियम मेटल डालो उसमें, हाइड्रोजन गैस निकलती हुई दिखेगी. ठीक है, अब क्या हुआ, इसको आप बैलेंस कर लीजिए, ये टू टाइम्स. ठीक है, नाउ लुक हियर, इसको हम बोलेंगे क्या, इसका नाम सोडियम इथॉक्साइड. सोडियम इथॉक्साइड ये इसका नाम है, सोडियम इथॉक्साइड. राइट, नेम याद रखना है. इट रिएक्ट विद पोटेशियम ऑल्सो, हाई रिएक्टिव मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है. आप सेम रिएक्शन लिख लो, Na की जगह K लिख लो, तो क्या मिलेगा आपको, पोटेशियम इथॉक्साइड. ये नाम याद रखिएगा, सोडियम इथॉक्साइड C2H5ONa. इस सोडियम, देखो सोडियम H C2 का H और ऑक्साइड, ऑक्सीजन का ऑक्साइड. ठीक है, सोडियम इथॉक्साइड याद रहेगा सबको. चले आगे, द नेक्स्ट रिएक्शन इज अगेन, जैसे आपने हाइड्रेशन किया था इथीन का, वैसे ही हम इथेनॉल का डिहाइड्रेशन करेंगे. डिहाइड्रेशन क्या हुआ, मतलब पानी निकालना, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. राइट, तो रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल की बात करें तो डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल, सो दिस इज बेसिकली द रिवर्स रिएक्शन. जो रिएक्शन आपका इथीन से इथेनॉल का जाना, उसका ये रिवर्स है. तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, इथेनॉल से क्या मिलेगा वापस, इथीन. राइट, वाटर मॉलिक्यूल रिमूवल हो रहा है. तो देखिए C2H5OH इन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, इसको आपको कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में करवाना है. क्यों कराना है, क्योंकि H2SO4 जब कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में लेते हो आप, तो इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट. ये अच्छे अच्छों में से पानी निकाल देता है, मतलब इट टेक्स अवे वाटर मॉलिक्यूल. इट इज अ वाटर लवर मॉलिक्यूल यू कैन से. तो जहां आपको वाटर मिलता है ना, ये उसमें से वाटर एक्सट्रैक्ट कर लेता है. तो ये वाला रिएक्शन आपका कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ होगा. पहले वाला किसके साथ था, डाइल्यूट H2SO4, ये वाला किसके साथ होगा, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4. नाउ दिस विल डू व्हाट, इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल करेगा. कैसे करेगा देख लो, C2H5OH ना ऐसे हुए होंगे, ऐसे बॉन्डिंग थी, ये H और ये OH, सही है कि नहीं है. ये क्या करेगा, हम यहां लिखते हैं चलो OH. ये क्या करेगा, जाके इसमें ये यहां से एक H और यहां से एक OH बाहर निकाल देगा. बाहर निकलो तुम, तो अब आपका मॉलिक्यूल कैसा रहेगा, देखो H, C, H, H, और ये एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री है दोनों के पास. तो दोनों से म्यूचुअली क्या डिसाइड करते हैं, अब हमको कोई साथी मिला नहीं, तो ऐसा करते हैं अपन दोनों बॉन्डिंग कर लेते हैं. सो दीज डिसाइड एंड फॉर्म अ डबल बॉन्ड. सो अगेन यू गेट इथीन या इथाइलीन प्लस वाटर मॉलिक्यूल जो एक्सट्रैक्ट किया वो तो मिलेगा ही. सो दिस इज डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल. आई बात समझ में सबको, यहां तक कोई दिक्कत है क्या. चले आगे, नेक्स्ट लास्ट, कल हम लोगों ने देखा था ऑक्सीडेशन रिएक्शन. मैंने कल भी बोला था कि हम लोग इथेनॉल का ऑक्सीडेशन करते हैं और हमको कंप्लीट ऑक्सीडेशन से क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, इथेनोइक एसिड. और अगर आप पार्शियल ऑक्सीडेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, इथेनॉल एल्डिहाइड. तो कल मैंने एक जनरल इक्वेशन लिखी थी कि ऑल द एल्कोहॉल और ऑक्सीडेशन विल गिव यू एल्डिहाइड. ठीक है, एंड देन विल अल्टीमेटली गिव यू कार्बोक्सिलिक एसिड.
ये आपको याद रखना है, जनरल कंडीशन है, जनरल इक्वेशन है कि अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स एल्डिहाइड एंड दिस ऑन फर्दर ऑक्सीडेशन विल गिव यू कार्बोक्सिलिक एसिड. दिस इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन. ऑक्सीडेशन हो रहा है सबका, राइट ना. इधर देखेंगे हम इथेनॉल की ही बात कर रहे हैं, तो हम इथेनॉल का ऑक्सीडेशन कराते हैं. तो C2H5OH, फिर मैंने आपको कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट समझाए थे. दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक होता है वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो अगर आप C2H5OH को किसी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ट्रीट करवाएं, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फॉर एग्जाम्पल क्रोमिक एनहाइड्राइड इन एसिटिक एसिड, ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमिक एनहाइड्राइड इन एसिटिक एसिड, आपका इथेनोइक एसिड, ठीक है. दिस इज अ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सो इट विल गिव यू ओनली पार्शियल ऑक्सीडेशन. मतलब ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं करेगा आपके सब्सटेंस का, इट विल डू ओनली पार्शियल ऑक्सीडेशन और आपको क्या मिलेगा, इथेनॉल. सो एल्डिहाइड में कन्वर्जन क्यों, क्योंकि आगे में रिएक्शन रुक गया. सो इट विल गिव यू इथेनॉल. इथेनॉल का फॉर्मूला CH3CHO, ठीक है. आई बात समझ में सबको, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, चले आगे ना. मूविंग है, इसके बाद आपका ऑक्सीडेशन में आता है कंप्लीट ऑक्सीडेशन. तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए मैंने आपको बताया था देयर आर टू रिएजेंट्स जो काफी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं. पहला देखते हैं C2H5OH इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो क्या होगा आपका कंप्लीट ऑक्सीडेशन. हाँ कि ना, कंप्लीट ऑक्सीडेशन विल टेक प्लेस. और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से हो सकते हैं, या तो एल्कलाइन KNNO4, इसको हम क्या बोलते हैं, एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, है ना, या फिर हम इसमें ले सकते हैं एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7. इन दोनों में से कोई सा भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर आप काम में लेंगे, एल्कलाइन KNNO4 मतलब पोटेशियम परमैंगनेट में एक दो बेसिक सोल्यूशन के ड्रॉप्स डाल दो, ठीक है. और एल्कलाइन, ये एल्कलाइन KNNO4 हो गया, और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट जनरली हम पोटेशियम डाइक्रोमेट में थोड़ा सा एसिटिक एसिड डाल देते हैं या कोई भी डाइल्यूट एसिड डाल देते हैं, सो दैट द मीडियम बिकम एसिडिक. फाइनली आपको क्या मिलता है कंप्लीट ऑक्सीडेशन पे, CH3COOH. दिस इज व्हाट, इथेनोइक एसिड. आई बात समझ में. सो ऑल द एल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन विथ अ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विल गिव यू एल्डिहाइड. एल्डिहाइड कौन सा होता है, ये सेम कार्बन एटम का. इथेनॉल से स्टार्ट किया तो क्या मिलेगा, इथेनॉल. प्रोपेनॉल से स्टार्ट किया तो क्या मिलेगा, प्रोपेनॉल. मीथेनॉल से स्टार्ट किया तो मीथेनॉल, ठीक है. तो जैसा आपने कार्बन एटम दिए हैं रिएक्टेंट को, उसमें ही आपको प्रोडक्ट में मिलेंगे. सिमिलरली अगर आप इथेनॉल को स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से चीज करवाएंगे लाइक एल्कलाइन KNNO4 और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो इट विल गिव यू कार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम. सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम मतलब इथेनॉल से स्टार्ट किया तो इथेनोइक एसिड, मीथेनॉल से स्टार्ट किया तो मीथेनोइक एसिड, ठीक है क्या. आई बात समझ में सबको, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या. सो दीज आर द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल. ये केमिकल प्रॉपर्टीज थी, चार केमिकल प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी. पहली आप ऐसे याद रखेंगे, पहली कंबस्शन. कंबस्शन में क्या हुआ था, इट बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. अच्छा, इसका कंबस्शन कैसा होगा, कंप्लीट कंबस्शन होगा. क्यों, क्योंकि सैचुरेटेड कंपाउंड है. कैसा फ्लेम होगा, क्लीन ब्लू फ्लेम विदाउट सूट, ठीक है. सेकेंड प्रॉपर्टी देखी थी हमने, रिएक्शन विद सोडियम. तो रिएक्शन विद सोडियम में अगर आप बात करें तो इसमें क्या हुआ था, हाइड्रोजन गैस वॉज इवॉल्व एंड क्या बना था, सोडियम इथॉक्साइड. नाम याद रखना है प्रोडक्ट का, ठीक है, क्योंकि वो आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट, आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, आइडेंटिफाई ABC टाइप. देन थर्ड हमने देखा डिहाइड्रेशन रिएक्शन, डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल. ये किसकी प्रेजेंस में होता है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, और अल्टीमेटली आपको क्या मिलता है, इथीन, ठीक है. ये रिवर्स रिएक्शन है उसके प्रिपरेशन का. और फोर्थ
रिएक्शन हमने देखा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन अगेन दो प्रकार का, पार्शियल ऑक्सीडेशन और कंप्लीट ऑक्सीडेशन। पार्शियल ऑक्सीडेशन वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में होगा और कंप्लीट ऑक्सीडेशन आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में होगा। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हम दो देखते हैं, एल्कलाइन KMnO4 एंड एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। और वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स सिर्फ हम एक ही पढ़ते हैं, क्रोमिक एनहाइड्राइड एंड एसिडिक एसिड, याद रहेंगे सारे। नेक्स्ट लास्ट में आपके पास इथेनॉल के यूजेस हैं, तो यूजेस मैंने आपको बहुत सारे बता दिए। इससे पहले एक टर्म और आती है, डीनेचर्ड अल्कोहल। अब डीनेचर्ड अल्कोहल की अगर मैं बात करूं तो पता है क्या होता है, ये डीनेचर्ड मतलब अपने नेचर को खो चुका है। ये अल्कोहल का नेचर क्या होता है, कंजम्पशन, मतलब इट इज यूज एज एन अल्कोहलिक बेवरेज। सो इट मेजर नेचर इज कंजम्पशन, खाने पीने वाला, ठीक है। तो डीनेचरिंग का मतलब पता है क्या होता है, इसको पीने योग्य नहीं बनाना, कि हमने इसको पीने योग्य हटा ही दिया, ये पीने योग्य रहा ही नहीं, वो क्या होता है डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल। ये कैसे किया जाता है, आपके अल्कोहल में थोड़ा सा कोई दूसरा पॉइजनस सब्सटेंस डाल दिया जाता है जिससे अल्कोहल अनफिट हो जाता है पीने लायक, ठीक है। ये क्यों किया जाता है, क्योंकि देखो इंडस्ट्रियली इट इज यूटिलाइज एवरीवेयर, पेंट वार्निशेस, तो ये क्या होता है ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री। अब क्या होगा, रस्ते में अगर मानो ये पीने योग्य हुआ तो टैंकर वाला क्या करेगा, टैंकर में जाता है लिक्विड होता है, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, टैंकर में ले जाने वाला क्या करेगा, या तो रस्ते में बेच जाएगा, 2, 5, 7, 10 लीटर बेच दिया, कुछ 100 रुपए के भाग भी बेचा तो 1000 रुपए कमा लिए, या खुद ही पी लिया रस्ते में, राइट। तो ये क्या है, उसका मिसयूज हो रहा है, तो उस मिसयूज को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको डीनेचर कर देते हैं। अब वो ले जाने वाला भी जानता है कि अगर मैंने इसको पी लिया तो मैं मर जाऊंगा क्योंकि पॉइजनस है, या मैं किसी को बेचूंगा भी तो उसको पता है कि जाने मतलब ट्रांसपोर्ट वाला है तो वो भी नहीं खरीदेगा, क्योंकि सबको पता है ये हम जहर ले लेंगे, तो जहर तो हम ले नहीं सकते। तो बेसिकली डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल इज द प्रोसेस इन विच अल्कोहल इज मिक्स विद सम सब्सटेंसेस, लाइक कौन कौन से सब्सटेंसेस है आप इनको पॉइजनस बना सकते हैं, कॉपर सल्फेट CuSO4 और मीथेनॉल डाल दो, या फिर पिरिडीन नाम का एक सब्सटेंस होता है, इन तीनों में से कुछ भी डाल दो, 5% बस, 100 लीटर है ना तो 5 लीटर ये डाल दो बस, ठीक है। तो 5 लीटर ये डाल दिया तो ये अब पॉइजनस हो गया, अब वो बेच नहीं सकता ना वो खुद पी सकता है। सो दिस इज नोन एज डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल, दिस इज डन टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ अल्कोहल ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस, ठीक है। तो जब ये दूसरी फैक्ट्री पहुंचता है तो वो निकाल लिया जाता है, जरूरत हो तो निकाल लिया जाता है, पेंट वार्निश में कौन सा पीना ही है, वो एज इट इज यूज हो जाता है, राइट। आई बात समझ में, दिस इज डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल। सिमिलरली एब्सोल्यूट अल्कोहल, एब्सोल्यूट अल्कोहल क्या होता है, वेरी गुड, एब्सोल्यूट एकदम प्योर, सो इट इज 100% अल्कोहल। और लास्ट क्या होता है, रेक्टिफाइड स्पिरिट, मैंने आपको एक तीन चीजें बताई थी, रेक्टिफाइड स्पिरिट क्या होता है, 5% सोल्यूशन ऑफ अल्कोहल, 5% वाटर, 95% अल्कोहल, सो रेक्टिफाइड स्पिरिट। सो दिस इज बेसिकली 95% अल्कोहल मिक्स विथ 5% ऑफ वाटर, this is rectified spirit, this is used for the sterilization of skin before the application of syringes, ठीक है। फिर हमने देखे इसके बहुत सारे uses, I told you many uses, it is the main constituent of alcoholic beverages, then it is also used in cough syrup, मतलब medicine industries में भी use होता है as constituent of cough syrup, it is used in paints, dyes, varnishes, liquors, इन सबके में, raisins वगैरह बनाने के काम में आता है ये, ठीक है। then I told you it is used as an antifreeze, कोल्ड कंट्रीज में एंटीफ्रीज रेडिएटर ऑफ कार में डाला जाता है। देन रेक्टिफाइड स्पिरिट इट इज यूज फॉर द स्टरलाइजेशन ऑफ वूंड्स आल्सो, मतलब कुछ लगी हुई होती है तो उसको भी साफ करने के काम आता है, और साथ ही साथ स्किन को स्टरलाइज करने के काम आता है बिफोर इंजेक्टिंग सम मेडिसिन इनटू द बॉडी, राइट। सो दीज आर सम बेसिक यूजेस ऑफ इथेनॉल जो आपको याद रखने हैं। आज का आपका यही होमवर्क है कि आपको बस इतना सा रीड करना है, जितना मैंने पढ़ाया है इथेनॉल वो सारा आपको रीड कर लेना है, ऑलराइट। We will continue with ethanoic acid tomorrow.